गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास दसवीं का तैयारी करने के लिए आइए हमारे साथ जुड़िए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज का जो मेरा पाठ है, वीडियो है, वो केमिस्ट्री से लिया गया है। केमिस्ट्री से उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी के कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए आते हैं, यहाँ है उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या। उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा को उत्सर्जन करता। उष्मा क्षेपी का मतलब हुआ कि हमारे अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। और उष्मा शोषी का मतलब होता है बाहर से अंदर लेना, अब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना। तो इस दोनों कंसेप्ट से हम देखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा को उत्सर्जन करता है यानी बाहर निकालता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में उष्मा उत्सर्जन होगा यानी बाहर निकलेगा। तो देख लिए उष्मा क्षेत्र में क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है यानी उष्मा का उत्सर्जन होता है। फिर आगे चलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। तो उष्मा शोषी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा को अवशोषण करता हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा को अवशोषण करता हो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उष्मा को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो वो ऑब्जॉर्ब करता है, उष्मा को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उष्मा को ऑब्जॉर्ब कर लेता है यानी अवशोषण कर लेता है। तो इस प्रकार हमारा अभिक्रिया 2NO बन जाता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।